बंदे हैं ये उसके, इन पे किसका जोर, धूम मचाने के लिए आमिर है बिल्कुल तैयार। आमिर, आप कहते हैं कि साल का अंत धूम से होगा, सही कहा मैंने? आई होप सो, देखते हैं क्या होता है। आई थिंक फिल्म, हम लोग काफ़ी खुश हैं फिल्म से, जो फिल्म हम बनाने चले थे वो हम बना पाएँ। लेट्स सी व्हाट द ऑडियंस फील्स। मैं ये जरूर जानना चाहता हूँ सबसे पहले यहाँ पर कि आप इतने यंग कैसे दिखते हैं सर? आई थिंक इसका क्रेडिट तो मेरे पेरेंट्स को जाना चाहिए। ओके। और उसके अलावा मैं काफ़ी स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करता हूँ। ओके। पानी बहुत पीता हूँ मैं, करीब 3-4 लीटर दिन में, और ये मैंने पिछले 6 सालों से शुरू किया है। okay. तो उससे काफ़ी फ़र्क पड़ा है मुझे लगता है हेल्थ पे। सो आई थिंक वी आर व्हाट वी ईट। अच्छा, यही रिजीम आपका मेंटेन रहा है धूम के इस फिजीक के पीछे भी। मैं ये जानना चाहता हूँ कितने साल, मतलब कितने टाइम पहले आपने इस फिजीक के लिए तैयारी शुरू की, कैसी तैयारी थी, क्या खाया क्या नहीं खाया, कितने सेक्रीफाइसेस करने पड़े? धूम की शूटिंग से 1 साल पहले मैंने तैयारी शुरू की, करीब 2000, अभी डेट्स मुझे याद नहीं, जब जो भी शूटिंग थी उससे 1 साल पहले मैंने शुरू की तैयारी। और उस वक्त क्योंकि मैं जिमनास्ट और सर्कस आर्टिस्ट हूँ, तो जिमनास्ट की जो फिजीक होती है वो मस्कुलर तो होती है लेकिन उसके साथ साथ बड़ी लीन होती है और बॉडी फैट बहुत कम होता है। तो मेरा टारगेट था कि मैं 9% बॉडी फैट तक पहुँचूँ, सिंगल डिजिट्स। और उसके लिए वर्कआउट तो था ही टफ, लेकिन उससे ज़्यादा डाइट बहुत टफ था। तो ये 2 साल से मैं डाइट फॉलो करते आ रहा हूँ, अब जाके मैंने छोड़ा है। अच्छा, तो नज़र भी आ रहा होगा। सबसे पहले क्या खाया जब आमिर खान ने ये डाइट छोड़ी, कुछ ध्यान है? मैं, मुझे अम्मी के खाना बड़ा पसंद है, घर का खाना। ओके। तो उसी से शुरुआत की मैंने। अच्छा। लेकिन ये 2 साल तक लगातार, क्योंकि 1 साल पहले शूटिंग से पहले 1 साल और शूटिंग के दौरान 1 साल, तो 2 साल तक बहुत ही स्ट्रिक्ट डाइट था, बहुत ही स्ट्रिक्ट वर्कआउट था। ओके। जिमनास्ट का किरदार आप प्ले कर रहे हैं, कितना सीखा आपने इस चीज़ में? जो आपने अभी मलंग गाना रिलीज़ हुआ है, उसका 30 सेकेंड्स रिलीज़ हुआ है, वो जो है हमारा गाना, वो है पूरा सर्कस और करतब का। और उस गाने के लिए बड़ी तैयारी की गई, वहाँ से बाहर से जिमनास्ट भी बुलाए गए और उन्होंने कटरीना और मुझे दोनों को ट्रेन किया। जो वर्ल्ड ओवर आज मॉडर्न सर्कस की जो करतब होते हैं, सर्कस के करतब, वो सारे हमने किए हैं, स्ट्रैप वर्क, सिल्क, और उसके अलावा हुप का काफ़ी काम है, टम्बलिंग है, तो ये सारी चीज़ें कि उसके लिए ट्रेन किया हम लोगों ने। बड़ा मुश्किल होता है लेकिन आई थिंक ठीक ठाक हो गया। अल्टीमेटली हमको लगा था हम 50% हम करेंगे, 50% डुप्लीकेट्स करेंगे। अच्छा। लेकिन उन्होंने करीबन 90% हमसे ही कराया। ओके। मैं कहीं ये भी पढ़ रहा था कि उस गाने की शूटिंग के दौरान आपको मालूम चला कि आपको वर्टिगो है, आपको हाइट से दिक्कत होती है, दवाइयाँ चल रही हैं उस चीज़ के लिए? एक्चुअली हाइट से दिक्कत तो होती है लेकिन उससे ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम थी, क्योंकि हुप में वो घूमता है, बड़ा तेज़ घूमता है वो। ओके। और स्ट्रैप में भी घूमने का था, तो उसमें जब मैं घूमता था तो मुझे चक्कर आता था। ओके। और हम करीब 30-40 फुट की हाइट पे थे, तो वहाँ से गिरना बहुत ही ख़तरनाक साबित हो सकता था। ओके। तो लिहाजा मैंने उनसे पूछा कि आप लोगों को चक्कर नहीं आता? उन्होंने कहा हमको भी आता है लेकिन हमको अब आदत हो गई, इतने सालों से हम कर रहे हैं तो हमको आदत हो गई है। और आप उसके लिए वो जो कार सिकनेस की गोली आती है जिससे आपको चक्कर, जब कभी चक्कर आता है तो वो गोली आप खाते हैं, तो वो मैंने गोली खाई जब मैं शूटिंग कर रहा था उस शूटिंग के दौरान। ओके। उससे काफ़ी हेल्प हुआ। तो आमिर, आपने मेंशन किया कि 90% आपने उस गाने को खुद शूट किया। स्टंट्स की अगर बात करें, आमिर खान एक परफेक्शनिस्ट जाने जाते हैं, कितने परसेंट स्टंट्स आपने किए, बॉडी डबल का इस्तेमाल किया कि नहीं किया? कुछ जो बहुत ही टफ स्टंट्स थे उसमें बॉडी डबल का इस्तेमाल किया गया, लेकिन कोशिश यही थी कि हम ज़्यादातर मैं ही करूँ, मुझे भी मज़ा आता है। लेकिन यहाँ पर मैं दर्शकों को कहूँगा कि वो इस चीज़ों को ट्राई नहीं करें, घर पे ट्राई ना करें। ख़ास तौर पे जो हम लोग बाइकिंग के स्टंट्स करते हैं उसके लिए बहुत तैयारी होती है। हम आपको लगेगा फिल्म के अंदर कि हम क्राउडेड रोड में गाड़ियों के बीच में से जा रहे हैं और स्टंट्स कर रहे हैं, लेकिन दरअसल वो गाड़ियाँ जो हैं, वो सारे गाड़ियाँ जो हैं स्टंट मैन चला रहे हैं। ओके। बहुत ही हाई प्रिसिशन ड्राइवर्स होते हैं और वो पूरी सड़क जो है हम लॉक कर देते हैं, और किसी और कोई वहाँ पर होता नहीं सड़कों पर, तो सेफ्टी का पूरा ध्यान दिया जाता है। लोग कभी कभी फिल्म देख के एक्साइट हो जाते हैं, वही चीज़ हम सड़कों पे ट्राई करते हैं। वो काफ़ी फेमस है इस चीज़ के लिए, बाय द वे। नहीं, लेकिन वो नहीं करना चाहिए, आप अपने जान को खतरे में डालेंगे, किसी और की जान को खतरे में डालेंगे। फिल्मों में आप देखते हैं, ये तो बड़े पर्दे की बात है, आप उसका मज़ा लें, लेकिन अपनी ज़िंदगी में वो ना, प्लीज़ वो ना करें। तो जिमनास्ट किया आपने, आपने स्टंट्स किए, आपने टैप डांस किया, थोड़ा उसके बारे में बताएं सर। टैप डांस बहुत मुश्किल था। क्या प्रक्रिया क्या रहती है इस डांस स्टेप?
टैप डांस एक्चुअली एक तरह से आप जो अपने पैरों से तबला बजा रहे हैं तो ये हील होता है, ये टैप होता है. तो ये इसका मतलब बहुत ही बेसिक स्टेप दिखा रहा हूँ मैं आपको. ओके. फिर उसमें वो स्लैप होता है, फिर अलग अलग चीज़ें होती हैं उसमें. तो जब भी आप टैप करते हैं तो उसमें अलग अलग आवाज़ें आती हैं. जिस तरह से आप अपने पैरों को ज़मीन पे मारते हैं उससे अलग आवाज़ आती है. तो एक तरह से ये एक पर्कशन इंस्ट्रूमेंट है अपने पैरों से जो आप कर रहे हैं. उसमें आप पैटर्न्स बनाते हैं, साउंड पैटर्न्स बनाते हैं. तो ये सिर्फ एक डांस फॉर्म नहीं है, ये एक म्यूज़िक फॉर्म भी है एक तरह से. तो वैसे तो 2-3 साल लगते हैं सीखने के लिए. लेकिन आपको कितना टाइम लगा? मुझे करीबन मैंने 10-15 दिन यहाँ बम्बई में किया. उसके बाद मैं 1 महीना सिडनी गया. ओके. क्योंकि मुझे लगा मुझे एकदम कट ऑफ होना है और दिन में और कोई चीज़ नहीं करनी, तभी मैं इतने कम वक्त में थोड़ा बहुत सीख पाऊँगा. ओके. तो इसके लिए मैं 1 महीना सिडनी में रहा. वहाँ करीबन 4-5-6 घंटा मैं टैप करता था. जो जिस कंपनी ने इसको कोरियोग्राफ किया है, टैप कंपनी को, टैप डॉग्स उनका नाम है. ओके. वो आई थिंक दुनिया के शायद नंबर 1 टैप कंपनी है. ओके. और उन्होंने ये टैप कोरियोग्राफ किया. आपके बेटे आज़ाद भी, वो मैंने सुना है कि वो टैप किस तरह जब मैं घर पे सीख रहा था 10 दिन, तो वो देख देख के मुझे भी. एक दिन मैंने देखा यार वो कुछ अपने पैरों से कर रहा है. ओके. तो मैंने कहा ये क्या कर रहा है? तो किरण ने कहा ये आपको कॉपी कर रहा है जो आप टैप करते हैं. तो वो भी टैप, मैंने वीडियो भी लिया उसका फ़ोन पे टैप करते हुए. ओके. मैं कहीं ये भी पढ़ रहा था कि आपने कहा है कि आपको चेस खेलना बहुत पसंद है और आपकी पार्टनर जो चेस में हुआ करती थी वो कटरीना कैफ हुआ करती थी. किस, कौन ज़्यादा जीता, कितनी गेम्स खेली गई, कैसा रहा वो पूरा समय? शायद कुछ 10-15 गेम खेली होंगी हमने. अच्छा? हाँ, मतलब शूटिंग के दौरान. और आई डोंट थिंक वो एक भी गेम जीत पाई. अच्छा. लेकिन अच्छा खेलती हैं कटरीना. ओके. बहुत अच्छा खेलती हैं. एंड शी इज़ अ लवली को-स्टार टू वर्क विथ, लॉट ऑफ फन. कोई हैंगअप्स नहीं है और बड़ी नॉर्मल है. तो उनके साथ काम करके बड़ा मज़ा आया. उदय और अभिषेक के साथ काम करके बड़ा मज़ा आया. आई थिंक द होल शूट वॉज रियली फन शूट. एवरी वन, हम करीबन 3 महीना थे शिकागो में, तो एक दूसरे के साथ वक्त भी बिताने का मौका मिला. विक्टर इज़ अ ग्रेट गाय, जो डायरेक्टर हैं हमारे फिल्म के. बहुत ही कमाल की स्क्रिप्ट लिखी है उन्होंने और बहुत ही उमदा बनाई है. और स्क्रिप्ट सुन के ही मैं राज़ी हुआ फिल्म करने के लिए. और मेरे समझ से ये शायद आज तक का मेरा सबसे चैलेंजिंग और टफ रोल रहा है एज एन एक्टर. आप ऐसा क्यों मानते हैं? मगर वो तो जब आप फिल्म देखेंगे आपको समझ में आएगा. अच्छा. आई थिंक मेरे 25 सालों में जो सबसे चैलेंजिंग रोल रहा है अब तक वो यही रहा है. ओके. सर, इंसान हर किसी चीज़ से कुछ सीखता है. अगर मैं जानना चाहूँ, ऑफ कोर्स अदर देन जिमनास्ट, अदर देन टैप डांस, अदर देन स्टंट्स, अगर आमिर खान ने धूम 3 से कुछ सीखा है तो वो क्या है? ये सारी चीज़ें तो सीखी हैं मैंने. यही बहुत हो गई भाई. टैप डांसिंग सीखना और जिमनास्टिक्स और सर्कस वर्क सीखना, यही बहुत हो गया. लेकिन इसके अलावा आई थिंक मेरे लिए एक अलग एक्सपीरियंस था टू बी पार्ट ऑफ अ बिग मेनस्ट्रीम फिल्म. आमतौर पे मैं ऐसी फिल्में करता नहीं हूँ जिसमें बहुत ज़्यादा एक्शन हो, बहुत ज़्यादा थ्रिल्स हो. तो ये एक मेरे लिए नया एक्सपीरियंस रहा जिसमें आप किस तरह ड्रेस कर रहे हैं, आपका स्टाइल भी इम्पॉर्टेंट है. ये सारी चीज़ें आमतौर पर मैं जो जिस किस्म की फिल्में मैं करता हूँ उन पर, उनमें इन सब चीज़ों पर ध्यान कम होता है. तो वो एक नई चीज़ थी मेरे लिए. एक डायलॉग है फिल्म का कि सर्कस वाला हूँ रोज दुनिया की आंखों में. सर्कस वाला हूँ सिर्फ आंखों को नहीं, मौत को धोखा देते हैं रोज. अब कुछ मैजिक ट्रिक्स भी कर रहे हैं अगर मैं गलत नहीं हूँ फिल्म में तो? मैजिक ट्रिक्स नहीं इसमें, मैजिक नहीं इसमें, सिर्फ सर्कस और जिमनास्टिक्स है, मैजिक नहीं. सर, ये साल की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक मानी जा रही है कुछ टाइम पहले, क्या आप इस बात पे रिकॉर्ड ट्रैक रखते हैं कि ये फिल्म कितना रिकॉर्ड तोड़े, कितना कमाए, कितना नहीं कमाए, या फिर ये प्रोड्यूसर्स के जिम्मे है? एक्चुअली मेरा इंटरेस्ट ज़्यादा इसमें होता है कि लोगों को फिल्म कितनी पसंद आती है. ओके. आंकड़ों में मुझे इतना इंटरेस्ट नहीं है. उस वो एक अंदाज़ा होता है कि कितने लोगों ने देखी, कितनी पसंद आई. लेकिन जिस चीज़ में मुझे दिलचस्पी है वो ये है कि लोगों को फिल्म जब देखें तो उनको लगा यार वाह कुछ हमने कमाल का देखा, और उसमें हमें, उसमें मुझे इंटरेस्ट है. आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन नंबर्स. आखिरी में जानना चाहूँगा कि अगर धूम 4 बनती है क्या आमिर खान दोबारा निभाना चाहेंगे किरदार इस फिल्म में, या फिर आमिर खान अगर किसी को चाहें कि
ये बॉलीवुड एक्टर धूम 4 में सूट कर सकता है तो वो कौन होगा? देखिए वो तो स्क्रिप्ट पे डिपेंड होगा, जब मैं स्क्रिप्ट सुनूंगा तब मैं बता पाऊंगा कि कौन उसमें सूट होगा, अभी तो स्क्रिप्ट है ही नहीं कोई। और अगर वो स्क्रिप्ट ऐसी बनती है जिसमें मैं शामिल हो सकता हूँ तो यकीनन मैं दोबारा भी करना चाहूँगा, ऐसी कोई बात नहीं। आई थिंक इट वॉज अ ग्रेट एक्सपीरियंस वर्किंग विद आदि, बहुत ही अच्छे प्रोड्यूसर हैं वो और पूरी टीम के साथ काम करके बड़ा मज़ा आया। सर एक रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, आपने स्टार्टिंग में इस इंटरव्यू के बहुत कमाल से डायलॉग बोला था, बंदे हैं हम उसके। अच्छा वो डायलॉग याद है? हाँ याद तो है, बंदे हैं हम उसके, हम पे किसका जोर, उम्मीदों के सूरज निकले चारों ओर, इरादे हैं फौलादी हिम्मती हर कदम, अपने हाथों किस्मत लिखने आज चले हैं हम। और हम चाहेंगे इस फिल्म की किस्मत बहुत बुलंद हो। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। कैमरा पर्सन राजू रेवनकर के साथ धीरज जुनेजा, मुंबई आज तक।